बाहर से देख तो सकते हो उसे, मैंने मधुबनी के महल में अंदर नहीं जा सकते। पानी के बीच में एक महल बनवाया, पानी के बीच में इसलिए बनवाया था कि बहुत ही सुंदर रानी थी उस समय की, वो पान खाती थी, पानी पीती थी, गले से दिखता था, कांच जैसा गला था, श्रीलंका से लेके आए थे राजा, तो गर्मी ना लगे इसके लिए पानी के बीच में महल बनाया। दूसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार अटैक किया, 3 बार वो यहाँ के राजा के साथ हार गया था, पद्मावती वो पानी के लिए खेल उसने अटैक किया था, तो महल पानी के बीच में सुरक्षा। वो सामने वाला महल जो पानी के बीच में है, 5 कमरे इसके अंदर अभी बंद कर रखा उसको, और कि पानी के अंदर जैसे कि उस टाइम पे इसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे खतरनाक सुरक्षा के लिए। 3 बार हरा खिलजी, यहाँ के राजा ने जिंदा छोड़ा। 4th बार जब वो आया, 60,000 सेना लेके आया, पूरे किले को चारों तरफ से उसने घेर लिया। मूवी जो था पद्मावती, उसने बहुत गलत इतिहास बताया, जैसे घूमर सोम वगैरह पालकी में ले जाना, रानी का चेहरा दिखाना, ये सारी रोंग बातें, ऐसा कभी हुआ नहीं था। डायरेक्टली राजा रतन सिंह सूरजपोल गेट गए थे, उसके पास अभी हम चलेंगे सूरजपोल गेट जो मेन एंट्री है किले का, वहाँ पर राजा रतन सिंह घोड़ा बदल के साथ मिलकर उसके साथ बड़ा खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। उसमें खिलजी का एक सैनिक राजा रतन सिंह को पीछे से जहरीला तीर मार देता है, वो घायल होने मतलब वो लगने से वो घायल हो जाते हैं, फिर भी घोड़ा बदल के साथ बड़ा वीरता का परिचय देते हुए भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते सब शहीद होते हैं, इस बात का पता पद्मावती को लगता है, तो पद्मावती जौहर प्रथा स्टार्ट करती है वहाँ से। जौहर मतलब जिंदा आग में कूद के 16,000 महिलाओं के साथ अपनी जान दे देना, कि ना मगर उनको देख सके ना टच कर सके, मरने के तो और भी तरीके होते थे, मगर जौहर की ज्वाला में उन्होंने अपने शरीर को खत्म कर दिया। क्योंकि पहले मुगल लोग क्या करते थे कि डेड बॉडी को भी लेके जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, इसलिए उन्होंने जौहर का तरीका नया स्टार्ट किया जो पद्मावती ने किया था। पहला जौहर 16,000 में था, फिर खिलजी यहाँ पर आता, उसको जलेबी राख के अलावा कुछ नहीं मिलता, वो अपना सारा गुस्सा इस पूरे किले पर उतार देता है, हर महल हर मंदिर को डैमेज डिस्ट्रॉयड करवा के और यहाँ से रिटर्न दिल्ली चला जाता है। और ये है रानी पद्मावती का सामने घूमने फिरने के लिए गार्डन, अंदर पर वो घुमा फिरा करती थी, घोड़े का अस्तबल वगैरह उनकी दासियां वगैरह रहती थी, और अंदर जो पर्सनली गार्ड होते थे वो किन्नर होते थे, ना जेंट्स ना लेडीज, तो रानियों के गार्ड रखा था। जहाँ रानी पद्मावती घूमती थी वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर रानी पद्मावती घूमती थी अपनी दासियों के साथ, यहीं पर उनके सारे जो घोड़े वगैरह रहते थे वो सब यहीं थे, सारी दासियाँ। लेकिन जो पद्मावती की सुंदरता बता रहे हैं वो तो बाकी में यार कुछ है ही, जब इतना कुछ थी दिखता था गले में, मैं तो बहुत सुंदर था, जब से ये गोलू के साथ आया तब से मैं काला हो गया हूँ, कृष्ण राज छोड़ के अपने मुरहाट गाँव में आए तब से मैं काला हो गया। ये वो जगह है जहाँ बोलते हैं कि रानी पद्मावती रहती थी, 5 कमरे और इस पानी में मगरमच्छ रहते थे। खिलजी ने बार ट्राई करा था इसे मतलब यहाँ अंदर जाने के लिए, पर वो जा नहीं पाया था। रानी पद्मावती के महल और बगीचा देखकर हम चल रहे हैं अब युद्ध का मैदान, जहाँ युद्ध हुआ था, मूर्ति नहीं है अंदर। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था खिलजी और यहाँ के जो राजा थे उनके बीच में। ये गेट जो है आप पीछे देखते हैं, ये वाला का चित्तौड़गढ़ किले का मेन एंट्री मेन फ्रंट गेट है सूरजपोल गेट, और यहाँ पर 7 दरवाजे पहले होते थे, अभी 2 ही गेट बचे हुए, 5 गेट मुगलों के आक्रमण में टूट गए। 7 दरवाजे इसलिए होते थे, 7 घोड़े होते थे सूर्य के, यहाँ के राजा सूर्यवंशी थे, इसलिए 7 गेट बनाए जाते थे। सुबह यहाँ पे सूर्य की पूजा अर्चना करके वो जल और अन्न ग्रहण करते थे। नीचे आपकी जहाँ तक नजर जाती देखेंगे, जहाँ तक आप देखेंगे पूरा मैदान है युद्ध का मैदान। उस समय पर जितने युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के, सारे युद्ध इसी मैदान के अंदर में होते थे। 6 महीने तक खिलजी ने यहाँ पर नीचे घेराबंदी किया था रानी पद्मावती के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहीं पे राजा रतन सिंह बड़ा वीरता का परिचय देते हुए युद्ध लड़ते, उस युद्ध के अंदर घोरा बादल सर कटने के बाद भी लड़ते 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 सब शहीद होते हैं। बाकी 3 बार राजा रतन सिंह पहले खिलजी को छोड़ते हैं, मगर 4th बार की लड़ी में राजा रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस बात का पता पद्मावती को लगता है किले पर, तो पद्मावती 16,000 महिलाओं के साथ जिंदा आग में कूद के इज्जत आबरू बचाने के लिए जोहर कर लेती है। सामने पहाड़ देखेंगे, उस पहाड़ का आकृति ऐसा कोई आदमी सोया हुआ हो, आगे मुंह है, बीच में पेट है, कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं उसको, नेचुरल शेप है। कुंभकर्ण क्या सोता था इसलिए इसका नाम कुंभकर्ण रख रखा है ये सामने। हाँ, बाकी कोई ऐसा कुंभकर्ण से कोई कनेक्शन नहीं इसका, ये कुंभकर्ण सोता था इसलिए इसका नाम रखा कुंभकर्ण पहाड़ी। और यहाँ से तेल पानी गर्म करके डालते थे, ये क्या तिरछा छेद दिखता आपको, कोई पास में आ जाए मुगल ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा तो नीचे उसके ऊपर गर्म तेल छिड़केंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। लकड़ी के दरवाजे के ऊपर किले दिखते, अंकुश बोला जाता है इनको, हाथी की सुरक्षा के लिए, हाथी से बचाने के लिए किले लगाए जाते थे, हाथी इसको तोड़ ना सके, हाथी मार के तोड़ ना सके, हाथी की हाइट पे लगे हुए बराबर जहर लगाया जाता था, पॉइंट पे हाथी मारेगा उसके लगेगा वो मर जाएगा। और ये नीचे पूरा युद्ध का मैदान है। मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जा बड़े दूंगा।
जैन टेम्पल है, जैन कीर्तिस्तंभ बोला जाता है इसको। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी ने बनवाया था इसको। 5 मंजिला टावर है, पास में जैन आदिनाथ का मंदिर है। विजयस्तंभ जैसा सेम टावर है। इस किले पे पहले दूसरे मुगल आते थे उनको देखने के लिए, वॉच टावर की काम भी आता था, दूसरे आने वाले मुगलों को देखा जाता था इससे। 5 मंजिला, 3rd मंजिल पे 1008 महावीर स्वामी का मूर्ति, छोटा छोटा 1008, ये 3rd मंजिल पर है। अच्छा, ये हाँ जैन कीर्तिस्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। ये सीतापल के पत्ते से और उसके सीतापल के फल से साड़ी बनती है। आपने खाया सीतापल अभी, आपको खिलाया। इस सीजन में कोई नहीं खाता सीतापल, मगर आपने खाया, हम यहाँ के लोग भी नहीं खाते हैं। तो ये सामने इस प्रकार से बनाया जाता है। और ये थे आदिवासी के जो मेन गुरु राणा पुंजा जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। इन्होंने क्या इनको रोजगार दिया था आदिवासी लोगों को। तो उस टाइम से पुराने टाइम से वस्त्र बनाते हैं, अपनी का पाठ पूजा करते घर पे। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा में सीतापल को रखा जाता है, लक्ष्मी पूजा में, इसीलिए सीतापल का साड़ी बनता है। तो चंदन की खुशबू आती है उसमें, एक बार उसको खिचड़ी के पानी में धोने के बाद। एक ये लोग बनाते हैं जड़ी बूटों से निर्मित है रजई, जो दर्द खत्म करती है शरीर का। पहले क्या जैसा गर्म पट्टा बनाते ना अपन, वहाँ से उसी प्रकार से एक आयुर्वेदिक बनाया जाता है। ये हाथों से वक्त करके बनाते हैं आदिवासी लोग। यहाँ पर आपको देखना है वो चीज़, भैया गाइड होंगे आपके, सारा चीज़ का जानकारी देंगे आपको। इधर आगे बैठेंगे। तो गाइस ये था पूरे किले का टूर, और हमें मुझे लगता है कि हमें 4-5 घंटे हो चुके हैं यहाँ घूमते घूमते जाते हैं। हाँ, और अभी हमने सारी चीज़ें नहीं स्क्रॉल करी जो भी मतलब इन्होंने दिखाया हमारे गाइड से। ये भाई कहाँ है भाई आप? ये रहे, मतलब बढ़िया है। जो भी अगर आए जो हमारी वीडियो देखे तो इनसे ही मिले, बढ़िया गाइड है ना, सब कुछ समझा। ऐसी ऐसी जगह ले गए जहाँ और गाइड नहीं लेके जा रहे थे, मतलब मोटा मोटा नहीं बताया, सब जगह घुमा दिया इन्होंने हमें। बढ़िया था, माल पानी का भी जुगाड़ होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है, पागल है दिमाग से, पैदल है बिल्कुल। ठीक है चलो गाइस।